गोला उपचुनाव के नतीजे समाजवादी पार्टी को हताश करने वाले हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद पहले रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव समाजवादी पार्टी हार गई। अब गोला का गदर में भी नतीजे पार्टी के पक्ष में नहीं रहे, जिस पर समाजवादी पार्टी बेईमानी वाला आरोप लगा रही है। हार के लिए बसपा को जिम्मेदार बता रही है। सवाल है कि क्या वाकई गोला में बसपा की रणनीति ने सपा का खेला कर दिया। भगवा खेमे में जीत का जश्न समाजवादी पार्टी की रणनीति पर प्रश्न लगाने वाला है। भाजपा के जीत में समाजवादी पार्टी की हार की हताशा बयानों में झलकती है। समाजवादी पार्टी के गोला गोकर्णनाथ सीट से प्रत्याशी रहे हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। विनय तिवारी से। विनय जी, आप ये चुनाव हार गए हैं, क्या कारण लगते हैं? कारण है, एक तरफ सरकार चुनाव लड़ रही थी, एक तरफ समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा था। तो सरकार ने पूरी तरीके से जो भय का माहौल बनाया, उस भय के माहौल की वजह से हम लोग चुनाव हारे हैं। आपको लगता नहीं कि आपकी पार्टी के अगर शीर्षस्थ नेता यहाँ पे आते, जैसे बीजेपी के आए, तो आपका चुनाव परिणाम कुछ बदल सकता था? शीर्षस्थ नेता जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, पार्टी का कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव है, इसलिए कहीं पर भी उसकी कोई चूक नहीं है। ये वही आरोप है जो चुनाव के वक्त समाजवादी पार्टी लगा रही थी। अब नतीजे आ चुके हैं तो फिर समाजवादी पार्टी के खेमे से आवाज उठ रही है, जिसने चुनावों की निष्पक्षता को सियासत के केंद्र बिंदु में ला दिया है। ये गोला गोकर्णनाथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव जीतने के लिए सब तरह के हथकंडे अपनाने का काम किया। चुनाव से पहले 4 अधिकारियों का वहां से ट्रांसफ़र करने का काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सारे मंत्री गोला में थे और अधिकारियों से कह रहे थे कि ये सीट हारे या जीते सरकार भाजपा की रहेगी और तुमको नौकरी करनी है, सरकार भाजपा की रहेगी। इस तरीके से अधिकारियों को डरा करके, धमका करके, लोकतंत्र की हत्या करके। ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है। गोला उपचुनाव और आजमगढ़ रामपुर लोकसभा उपचुनाव के बाद भी समाजवादी पार्टी की ओर से सवाल उठे थे। फर्क बस इतना है कि इस बार समाजवादी पार्टी ने प्रशासन की भूमिका को सवालों में ला दिया है, साथ ही डबल इंजन की सरकार पर बेईमानी का आरोप लगा दिया है। हमारा कहना यह है स्पष्ट रूप से कि जब सरकार डबल इंजन की होती है तब बेईमानी होने का काम होता है। 2012 में केंद्र में सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, प्रदेश सरकार बीएसपी की थी, तो परिवर्तन हो गया, जनता ने जो वोट दिया उनके सही वोटों का मतगणना हुई। 17 में दिल्ली में सरकार जो है वो भाजपा की थी, यहाँ पर चुनाव हुए, लेकिन यहाँ पर चुनाव जो हुए वो समाजवादी पार्टी चुनाव हारी। समाजवादी पार्टी के इन आरोपों पर भाजपा पहले ही कह चुकी है कि समाजवादी पार्टी हार का बहाना ढूंढ रही है। संगठन के बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए, आपके लिए प्रचार किया, उनकी भी अपेक्षाएं हैं, और जब अपेक्षाएं होती हैं तो उनका भार भी आपके ऊपर आ जाता है। देखिए, भार है, लेकिन हमारे सब लोग मजबूत साथी भी, हमारे पूरा परिवार साथ में, पिताजी के सभी साथी, प्रमुख साथी हमारे साथ में, मार्गदर्शन हमको देते रहते हैं। कोई राह छोटी नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं, सब लोग साथ में है तो कोई मुश्किल नहीं। गोला की जनता के लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, इससे ज्यादा मैं भी कुछ नहीं कह सकता। गोला उपचुनाव में कांग्रेस और बसपा दोनों पार्टियों ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के निशाने पर कांग्रेस नहीं बल्कि बसपा है। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने ट्वीट कर बसपा पर कई सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने अपने ट्वीट में लिखा है, बसपा अपना वोट भाजपा में साइलेंटली ट्रांसफर करवाती है। दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के साथ बसपा की ये धोखेबाजी है। बसपा प्रमुख मायावती जी केंद्र शासित भाजपा सरकार के दबाव में है और बहुजन समाज पार्टी हर चुनाव में सपा को हराने का ठेका लेती है। 2014 से लेकर 2022 तक यही हुआ। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद हुए आजमगढ़ और लोकसभा चुनाव में बसपा ने सिर्फ आजमगढ़ में अपना प्रत्याशी उतारा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि आजमगढ़ सीट पर मुस्लिम वोटर्स भी बट गए और भाजपा जीत दर्ज करने में सफल रही। ऐसे में गोला सीट पर जब बसपा ने उम्मीदवार नहीं दिया
तो बसपा की रणनीति सियासत के केंद्र में तो आनी ही थी। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की ओर से दूसरे ट्वीट में लिखा गया, पहले भी कई बार बसपा का भाजपा के साथ गठबंधन हो चुका है। कई मौकों पर स्वयं मायावती जी ने सपा को हराने के लिए भाजपा को समर्थन का खुला ऐलान किया। 2019 में सपा ने दलित पिछड़ा को एक करने के लिए आगे बढ़कर बसपा को ज्यादा सीटें और सम्मान दिया, लेकिन अंदरूनी तौर पर बसपा ने धोखा दिया। प्रशासनिक दुरुपयोग और भाजपा और बसपा के मिली भगत के आरोप नए नहीं, विधानसभा के बाद ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल है, आखिर अखिलेश यादव जमीन पर कब उतरेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव आजमगढ़ और रामगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भी प्रचार करने नहीं गए थे, वहाँ भी समाजवादी पार्टी की हार हुई। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अखिलेश यादव के गोला उपचुनाव में पार्टी का नेतृत्व न करने से पार्टी की हार हुई? ये सवाल सियासत के केंद्र बिंदु में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।